एक बार की बात है, तथागत गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि वहां से कुछ दूरी पर पेड़ के नीचे एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ है। वह पहले जोर जोर से हंसता और फिर अचानक ही रोने लग जाता। बुद्ध के साथ ही उनके शिष्यों ने भी ये सब देखा। जब बुद्ध उस व्यक्ति के पास पहुंचे तो वह वृद्ध व्यक्ति उन्हें देखकर जोर जोर से रोने लगा और बुद्ध के चरणों में गिरकर कहने लगा, बुद्ध, आप जो कुछ भी कहते हैं वो सब सत्य है, लेकिन मैं ही आपकी बातों को नहीं समझ पाया और आपका विरोध करता रहा, आपका अपमान करता रहा। उस वृद्ध व्यक्ति की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। बुद्ध ने उसके आंसू पोंछे और उसकी तरफ थोड़ी देर तक ध्यान से देखा। उसके बाद बुद्ध ने अपनी झोली में से कुछ भोजन निकाला और उस बूढ़े व्यक्ति को खाने के लिए दे दिया। वह व्यक्ति बहुत भूखा था। उसने उस भोजन को खाया और पानी पिया, लेकिन भोजन के हर निवाले के साथ वह कभी हंसता और कभी रोता। बुद्ध के शिष्यों को वह बूढ़ा इंसान पागल प्रतीत हो रहा था। शिष्यों ने बुद्ध से पूछा, तथागत, ये वृद्ध व्यक्ति कौन है? क्या इनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है? हमें तो ये इंसान पागल मालूम पड़ता है। बुद्ध ने कहा, नहीं, ये इंसान पागल नहीं है, बल्कि इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इसीलिए तुम लोग इसके पास जाओ और इससे ज्ञान प्राप्त करो। शिष्य उस वृद्ध व्यक्ति के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, हमें आपके हंसने और रोने का कारण समझ नहीं आया, क्या आप हमें इसके पीछे का कारण समझा सकते हैं? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, आज से कुछ वर्षों पूर्व मैं गौतम बुद्ध से मिला था। मैंने उनके उपदेश सुने, लेकिन मुझे उनके उपदेश एकदम बेकार लगे। मुझे लगता था कि जीवन जीने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए बुद्ध के उपदेश किसी काम के नहीं हैं। मुझे लगता था कि बुद्ध लोगों को बहका रहे हैं, इसीलिए मैं बुद्ध के विरोधियों के साथ मिलकर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचता, लोगों के सामने बुद्ध की बुराइयां करता और कोशिश करता कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुद्ध के खिलाफ हो जाएं और उनके झांसे में न आए। बुद्ध अपने उपदेशों में कहा करते थे कि जरूरत से ज़्यादा धन का संग्रह इंसान को दुख देता है, लेकिन मुझे बुद्ध की ये बात बिल्कुल बेतुकी लगती थी। बुद्ध अपने उपदेशों में ये भी कहते थे कि झूठ मत बोलो, मदिरा पान का सेवन मत करो, किसी को ठगो मत, लेकिन मुझे बुद्ध की ये सब बातें बुरी लगती थी, क्योंकि उन दिनों मैं यही तो करता था। अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए लोगों से झूठ बोलना, ज़्यादा फायदे के लिए लोगों को झूठ बोलकर ठगना, रोज रात को मदिरा पान करना, यही मेरी दिनचर्या थी। लेकिन मैं उन दिनों ये भी देख पा रहा था कि जो लोग बुद्ध की बातों का अनुसरण करते थे वो ज़्यादा सुखी और शांत जीवन व्यतीत कर पा रहे थे, जबकि उन लोगों के पास ज़्यादा कुछ होता नहीं था। लेकिन मैं इन लोगों को देखकर कुछ सीखने की बजाय उनसे ईर्ष्या महसूस करता था। यही सोचकर आज मैं रो रहा हूँ कि ये बातें मुझे उस समय समझ क्यों नहीं आई। मुझे ये बातें अब समझ आ रही हैं जबकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं है और मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं ये देख पा रहा हूँ कि मेरे आसपास के सभी लोग वही गलती कर रहे हैं जो मैंने की थी, और इन्हें भी मेरी तरह ये सब बातें तब समझ आएंगी जब समय इनके हाथ से निकल चुका होगा, और फिर ये भी मेरी तरह पछताएंगे कि काश पहले ही ये बातें समझ लेते। शिष्यों ने कहा, आपको अपने जीवन से जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, कृपया आप वो ज्ञान हमारे साथ भी साझा करें, ताकि हम सबके ज्ञान में भी वृद्धि हो सके और हम सब भी जीवन की गहराइयों को समझ सकें। उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा बुद्ध के शिष्य हैं आप लोग, बुद्ध से ज़्यादा जीवन की गहराइयों को किसी ने नहीं समझा। मैं तुम्हें वो नहीं बता सकता जो बुद्ध तुम्हें बता सकते हैं, लेकिन फिर भी जितना मैंने जीवन को समझा है उतना मैं आप सबको अवश्य बताऊंगा। अपने जीवन के इस अंतिम पड़ाव में आकर मैंने जाना कि इस दुनिया का हर इंसान एक प्रतिस्पर्धा में शामिल है। सब एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, सब भाग रहे हैं और एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं, खुद को दूसरों से श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं, और ये आगे निकलने की दौड़ बचपन से ही शुरू हो जाती है। जब मैं छोटा था तो अपने मित्रों से आगे निकलना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरे पास मेरे मित्रों से अच्छे खिलौने हों, ज़्यादा सुंदर कपड़े हों, मैं उनसे ज़्यादा समझदार
और होशियार देखने की कोशिश में लगा रहता था। मेरी माँ बहुत ज़्यादा सख्त थी, वो मुझे मेरी मर्जी के खिलौने और मिठाइयाँ लेने से रोकती थी। इसीलिए मेरे मन में कभी कभी ख्याल आता कि अगर ये मर जाएं तो मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा और अपनी मर्जी से मिठाइयाँ और खिलौने ले पाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं ताकि मैं बाकी बड़े बच्चों की तरह अपने फैसले खुद ले सकूं और फिर मैं अपनी मर्जी से मिठाइयाँ और खिलौने भी ले पाऊंगा। और ऐसे ही मेरा बचपन गुजर गया और मैं जवान हो गया। लेकिन तब तक खिलौने और मिठाइयों जैसी चीज़ें मुझे व्यर्थ लगने लगी थी। लेकिन अब नए तरीके की प्रतिस्पर्धा शुरू हो चुकी थी। मैं अपने मित्रों और रिश्तेदारों से ज़्यादा धन कमाना चाहता था ताकि मैं उन्हें दिखा सकूं कि मैं उन सबसे ज़्यादा काबिल हूं। मैं उन सबसे अच्छा घर बनाना चाहता था, सबसे अच्छे कपड़े पहनना चाहता था ताकि सभी लोग मेरा सम्मान करें और मुझे इज्जत दें। इसके लिए मैंने लोगों से झूठ बोला, लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचे, उन्हें ठगा। लेकिन उस समय मुझे यह सब सही लगता था। मैं सोचता था कि केवल इसी तरीके से ही जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है और बहुत सा धन कमाया जा सकता है। फिर कुछ समय पश्चात मेरे माता पिता ने मेरा विवाह कर दिया। मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी, वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मुझे उसकी हर बात अच्छी लगती थी। लेकिन बहुत सालों तक हमारे कोई संतान नहीं हुई। मुझे इस बात की चिंता सताने लगी कि मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। जब मैं अपने मित्रों के घरों पर उनके बच्चों को हंसता खिलखिलाता देखता तो मुझे उनसे ईर्ष्या होती और सोचता कि मेरे घर भी बच्चों की ऐसी ही किलकारियाँ गूंजनी चाहिए। और बहुत ही जल्द भगवान ने हमारी सुन ली और मैं एक पुत्र का पिता बना। उस दिन मैं बहुत खुश था, मुझे लगने लगा कि अब मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बहुत ही जल्द मेरे मन में ख्याल आने लगा कि अगर मेरे दो पुत्र हों तो मेरा जीवन और भी आसान हो जाएगा। और इस बार भी भगवान ने मेरी सुन ली और मैं दूसरे पुत्र का पिता बना। मैंने अपने पिता के व्यापार को बहुत आगे तक बढ़ाया। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, तुम्हारे पिता ने तो सिर्फ इस व्यापार को शुरू किया था, इसे बड़ा तो तुमने ही बनाया है, सारी मेहनत तुम्हारी ही है। और वैसे भी अब तुम्हारे माता पिता बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें व्यापार को तुम्हारे हाथों देकर चारों धाम की यात्रा पर निकल जाना चाहिए। मुझे भी ये बात ठीक लगी। मैंने इस बारे में अपने पिता से बात की लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। मुझे अपने पिता पर बहुत क्रोध आया और उस दिन के बाद मुझे अपने पिता की हर बात बुरी लगने लगी। मुझे व्यापार में कुछ भी करने से पहले उनसे पूछना पड़ता था, ये बात मुझे बहुत खराब लगती थी। अब मैं स्वतंत्र होना चाहता था, घर और व्यापार के सारे निर्णय खुद ही लेना चाहता था। और बहुत ही जल्द ईश्वर ने मेरी ये बात भी सुन ली। अचानक ही मेरे पिता बहुत बीमार पड़ गए। मुझे लगने लगा कि अब मेरे पिता बहुत ही जल्द इस दुनिया को अलविदा बोल देंगे। मुझे इस बात से दुखी होना चाहिए था लेकिन मैं कहीं ना कहीं अंदर से खुश था कि अब मुझे टोकने वाला कोई नहीं होगा, मैं सारे निर्णय अपनी मर्जी से कर सकूंगा। मेरे पिता की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, यहाँ तक कि वो अब बोल भी नहीं पा रहे थे। वैद्य ने कहा कि अब इनके पास बहुत ही कम समय है, मित्रों और रिश्तेदारों को खबर कर दो कि आखिरी बार आकर इनसे मिल लें। सारे मित्र और रिश्तेदार एक एक कर पिताजी को देखकर जाने लगे। एक सप्ताह से ज़्यादा का समय हो चुका था, मेरे पिता की हालत बेहद ही ख़राब थी। तभी मेरी पत्नी ने पीछे से आकर मुझसे कहा, अब सब तो इनको देखकर जा चुके हैं, फिर अभी तक ये जिंदा क्यों हैं, ये मरते क्यों नहीं। मुझे भी मेरी पत्नी की बात सही लगी कि अब तो इन्हें मर ही जाना चाहिए, कम से कम ये अपने दुख से छुटकारा तो पा लेंगे। अगली सुबह जब मैं सोकर उठा और अपने पिता के कमरे में गया तो पाया कि मेरे पिता का देहांत हो चुका था। मेरी माता उनके सिर के पास बैठी रो रही थी। उस समय मुझे भी बहुत दुख लगा। मेरे पिता के साथ बिताए मेरे सभी अच्छे पल एक बार मेरी आंखों के सामने से घूम गए। मैं भी अपनी माँ के साथ जोर जोर से रोने लगा। फिर मैंने निर्णय किया कि मैं अपने पिता की अंतिम यात्रा बहुत ही धूमधाम से निकालूंगा ताकि सभी लोग ये देख सकें कि मैं अपने पिता से कितना प्रेम करता था। और मैंने ऐसा ही किया। मैंने बहुत भव्य तरीके से अपने पिता की अंतिम यात्रा निकाली। लोग बड़े अचंभित थे, आज से पहले उन्होंने इतनी भव्य यात्रा कभी नहीं देखी थी। वे मेरी तारीफें कर रहे थे और मैं ये सब देखकर अंदर ही अंदर बहुत गर्व महसूस कर रहा था कि लोगों की नज़रों में मेरा सम्मान और बढ़ गया है। फिर उसके बाद पूरे व्यापार पर मेरा पूर्ण नियंत्रण हो गया। मैं अपनी मर्जी से हर निर्णय लेने लगा। मैंने अपने व्यापार को खूब आगे बढ़ाया।
उसके लिए मैंने जो कुछ भी हो सकता था सब कुछ किया। धन के प्रति मेरी हवस और बढ़ती जा रही थी। कुछ ही सालों में मैं अपने नगर का सबसे अमीर व्यापारी बन गया। अब तक मेरे दोनों बेटे भी जवान हो चुके थे। मैंने अपने दोनों बेटों की शादियाँ दूसरे नगरों के अमीर व्यापारियों से की ताकि वो मेरे व्यापार में मेरी सहायता कर सकें और मेरा व्यापार और बढ़ सके। फिर एक दिन मेरी माँ की तबीयत ख़राब होती है और वो भी इस दुनिया से चल बसती है। अब मैं भी धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा था। मेरे बच्चे व्यापार में मेरा हाथ बटाने लगे। फिर अचानक कुछ सालों बाद मेरी पत्नी का देहांत हो गया। उस दिन मुझे किसी के जाने का दुख हुआ। मैं एकदम अकेला सा महसूस करने लगा और उदास रहने लगा। फिर किसी ने मुझे बुद्ध के बारे में बताया। मैं बुद्ध के पास गया और उनके प्रवचन सुने, लेकिन उनके उपदेश मेरी सोच के एकदम खिलाफ थे। मैं उनकी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। मेरी तरह और भी वहाँ बहुत से लोग थे जो बुद्ध की बातों से सहमत नहीं थे। इसीलिए हम लोगों ने मिलकर बुद्ध के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। फिर ऐसे ही कुछ साल और गुजर गए। मैं अपने पुत्रों के साथ व्यापार को आगे बढ़ाता रहा, लेकिन अब दिनों दिन मेरा शरीर कमज़ोर होता जा रहा था, स्वास्थ्य खराब होता जा रहा था। इसीलिए अब ज़्यादातर व्यापार पुत्र ही संभाल रहे थे। फिर एक दिन मेरी हालत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई। मैंने अपने इलाज में बड़े से बड़े वैद्य को लगाया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। मेरी हालत दिनों दिन खराब होती जा रही थी। फिर एक दिन मेरा बड़ा पुत्र मेरे पास आता है और कहता है, पिताजी अब आप बूढ़े हो चुके हैं, आपकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती, इसीलिए अब आप पूरा व्यापार मेरे ऊपर छोड़ दें, मैं उसे संभाल लूँगा। और छोटे भाई की भी आप चिंता ना करें, मैं उसे भी संभाल लूँगा। यह सुन मैंने कहा, अभी मैं सिर्फ बीमार हूँ, मरा नहीं, मैं कुछ ही दिनों में फिर से स्वस्थ हो जाऊँगा। मेरा बड़ा बेटा चला गया। उसके जाने के बाद छोटा बेटा आया और बोला, पिताजी आप पूरा व्यापार मेरे हाथों में सौंप दें, मैं उसे आपकी ही तरह आगे बढ़ाऊँगा। आप तो जानते ही हैं कि बड़े भैया नशा करते हैं, इसीलिए व्यापार को चलाना और उसे आगे बढ़ाना उनके बस की बात नहीं है। आप सारा व्यापार मेरे नाम कर दीजिए। मैंने कहा, पुत्र मैं अभी सिर्फ बीमार हुआ हूँ, कुछ ही दिनों में मैं फिर से स्वस्थ हो जाऊँगा। यह सुन वह भी वहाँ से चला गया, लेकिन मेरी हालत कुछ ज़्यादा ही खराब होती जा रही थी। वैद्य ने कह दिया कि अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए सभी मित्रों और रिश्तेदारों को मिलने के लिए बुला लो। यह सुन मेरे पुत्र और मेरी बहुएं रोने लगी। मेरे पुत्र रिश्तेदारों और मित्रों को पत्र लिखने लगे कि वो आखिरी बार आकर मुझे देख लें। मैं पड़ा पड़ा सब कुछ देख रहा था। मैं अभी जिंदा था, लेकिन मेरी मौत का तमाशा मेरी ही आंखों के सामने चल रहा था और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। आज पहली बार मुझे मेरे पिता की बेबसी का एहसास हुआ। धीरे धीरे सारे रिश्तेदार मुझे देखने आने लगे। वे मेरे पास बैठकर रोते और कहते, आपके बिना हमारा काम कैसे चलेगा। मैं सोचता, अभी तो मैं जीवित हूँ, ये अभी से मुझे मार क्यों रहे हैं। उन्हें मेरे मरने का दुख नहीं था, उन्हें इस बात का दुख था कि मेरे मरने के बाद उनका काम कैसे चलेगा। सब स्वार्थी हैं, और अब तो मेरे पुत्र मेरे सामने ही संपत्ति और व्यापार को लेकर लड़ने लगे थे, और इस लड़ाई में उनकी पत्नियाँ भी उनका साथ दे रही थी। आज जिंदगी में पहली बार मुझे महसूस हुआ कि पूरी जिंदगी बर्बाद करके मैंने जो धन कमाया वो किसी काम का नहीं। वो धन मेरी जिंदगी नहीं बचा सकता, मुझे ठीक नहीं कर सकता, और यही धन मेरे पुत्रों के बीच नफरत का कारण भी बन रहा है। जिस धन के पीछे मैं बचपन से लेकर आज तक भागता रहा, इसको कमाने के लिए ना जाने कितनों से झूठ बोला, कितनों को ठगा और कितनों के घर बर्बाद कर दिए, सिर्फ इसलिए ताकि यह सब एक दिन यहीं पड़ा रह जाए। काश मुझे ये बात उस दिन समझ आ जाती जिस दिन मेरे पिता बिस्तर पर पड़े हुए थे, तो मैं अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता था, ऐसे ऐसे काम कर सकता था कि लोग मुझे मरने के बाद भी याद रखते, क्योंकि तब मेरे पास समय, ऊर्जा और पैसा तीनों थे। लेकिन अब जब ये बात समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने अपने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाकर पूछा, तुम मेरी अंतिम यात्रा कैसे निकालोगे। बड़े पुत्र ने कहा, पिताजी अगर आप सारा व्यापार मेरे नाम कर देते हैं तो मैं आपकी अंतिम यात्रा बहुत ही भव्य तरीके से निकालूंगा, ऐसे कि इस नगर के सारे लोग देखते रह जाएंगे और समझ पाएंगे कि आप यूं ही इस नगर के सबसे अमीर इंसान नहीं थे। तभी दूसरे बेटे ने कहा, पिताजी अगर आप सारा व्यापार मुझे सौंप के जाते हैं तो मैं आपकी अंतिम यात्रा ऐसे निकालूंगा
जैसे आज तक किसी राजा महाराजा की भी नहीं निकली होगी। लोग आपकी अंतिम यात्रा को सालों तक याद रखेंगे। बस आप सारा व्यापार मेरे नाम कर दीजिए। और इतना कहकर दोनों पुत्र आपस में लड़ने लगे। फिर उनकी पत्नियां भी अपने अपने पतियों के साथ इस लड़ाई में उलझ गई। और मैं पड़ा पड़ा सोचता रहा, ये सब कुछ मैंने बनाया, अपनी मेहनत अपने हाथों से बनाया, और आज ये सब कुछ छूट रहा है। मेरी बनाई हुई संपत्ति के द्वारा ही मेरा सौदा किया जा रहा है। मैं अब तक इस घमंड में रहता था कि मैंने सबसे सफल जीवन जिया है, लेकिन उस दिन महसूस हुआ कि अभी तो जीना शुरू भी नहीं किया था और अंतिम समय आ गया। सारा जीवन बस यूं ही भागा दौड़ी में गंवा दिया। मैंने कितने लोगों को मरते देखा, अपने पिता को, अपनी माँ को, अपनी बीवी को, अपने मित्रों को, सबकी यात्रा उस शमशान में जाकर खत्म हो जाती है। मैं भी सभी के साथ यहाँ पर आया, पर कभी यह नहीं महसूस कर पाया कि एक दिन मुझे भी यहाँ पर लाया जाएगा। पता नहीं किस चीज़ में उलझ गया, बचपन से उलझा तो बुढ़ापे तक उलझा ही रहा। अब जाकर कुछ समझ आया तो अब समय ही नहीं, सब कुछ हाथ से रेत की तरह फिसल गया, बस पश्चाताप रह गया। इतना कहकर वह वृद्ध व्यक्ति चुप हो गया और बुद्ध के पास आकर बोला, मैंने अपना पूरा जीवन नष्ट कर दिया, क्या इन बचे हुए दिनों के लिए मुझे आपसे कुछ मिल सकता है? बुद्ध ने कहा, अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा भले ही तुमने अज्ञानता में गुजार दिया हो, लेकिन ज्ञान का एक क्षण भी बहुत बड़ा होता है। तुम्हारे पास अब जो समय है वो ज्ञान से पूर्ण है, इसीलिए अब बचे हुए क्षणों में तुम्हें जो कुछ भी मिले, सांसें या मृत्यु, उसे सहर्ष स्वीकार करो। बचे हुए जीवन को पूर्णता के साथ देखो। जो बीत गया उसके लिए पश्चाताप मत करो, पूरी तरह से वर्तमान के हर पल को जियो। वर्तमान में केंद्रित हो जाओ और जो तुम्हें मिल रहा है उसे स्वीकार करो। जितना रहस्य जीवन में है उससे कहीं ज़्यादा रहस्य मृत्यु में है। जितनी खुशी जीवन नहीं दे सकता उससे ज़्यादा खुशी मृत्यु दे सकती है। बस तुम पूरे होश पूर्वक इसे देखना, बचे हुए जीवन के एक एक क्षण को देखना। बीते हुए कल का पश्चाताप मत करना, भविष्य की चिंता मत करना, केवल इस पल के साथ, इस क्षण के साथ एक हो जाना। फिर जो जागृति, जो ज्ञान तुम्हारे अंदर आएगा अंतिम क्षणों में, वही तुम्हारी सहायता करेगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।